तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का काव्य खंड जो है, ये उन बच्चों के लिए है जो संस्कृत लिए हैं क्लास 10th में। बहुत शानदार है और इससे बाबू ऑब्जेक्टिव हर हाल में इससे भी रहता है। कुंवर सिंह के बारे में, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने 23 साल की उम्र में ही कविता लिखने की शुरुआत कर दी। नाम याद रखिएगा, कुंवर नारायण याद रखिएगा। क्या नाम है? कुंवर नारायण। ठीक है, इन्होंने एक कविता लिखी है, कुंवर नारायण ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। यानी कि जो हम लोग वृक्ष की हत्या करते हैं ना, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, अपने तरीका से घर को सेटल करने के लिए, मॉडलाइज करने के लिए, हर चीज के लिए क्या करते हैं, बस वृक्ष को काटो, पेड़ को काटो, वहां साफ सुथरा करो। अरे जो साफ सुथरा कर रहे हैं ना, एक दिन वो साफ हो जाएगा तो हम भी साफ हो जाएंगे, ये दिमाग में हम लोग बैठा लें। ठीक है, क्योंकि वृक्ष को साफ करेंगे, वृक्ष की हत्या करेंगे तो वो वृक्ष की हत्या नहीं समझिए तो हम लोग एक तरह से अपना सुसाइड डेट लिख रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग भी मौत के कगार पे पहुंच जाएंगे। यानी एक वृक्ष को अगर काटने का मतलब होता है बाबू 100 वृक्ष लगाइए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 100 वृक्ष नहीं लगाते हैं, एक भी नहीं लगाते हैं। यहाँ तक कि आप देखें ना, जितना भी फैक्ट्री इंडस्ट्री जितना भी बन रहा है उसमें किसी का नुकसान नहीं है। जो हमको जीवन देता है, जो हमको हवा वगैरह ऑक्सीजन देता है, उसी का नुकसान है। यानी वृक्ष की हत्या किया, क्या उसको दर्द नहीं होता है? अरे वो जितना चिल्ला रहा है ना, जिस दिन वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया ना, उससे ज्यादा बदतर मौत हम लोग मरेंगे। यहां समझिएगा, उसी के बारे में कुंवर नारायण बोले हैं। यानी कि एक ऐसे ही कवि हैं जो कि एक नगर के विकास के लिए बहुत सारी चीज सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कवि हैं। इनका जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बिहार के जो साइड में उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ में 1927 में। ठीक, इसके 23 साल के बाद 1950 में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कुंवर सिंह ने कविता लिखने की शुरुआत कब से की, तो 1950 जब अपना संविधान लागू हुआ था, ठीक है, उसी साल। ठीक है, इनकी रचना है चक्रव्यूह, कुछ ऐसे ही लिखते हैं ताकि लोग डायरेक्ट इनसे मोटिवेट हो जाए, इतना दम था इनके मतलब कविता में। एक चक्रव्यूह रचना है, ये पूछेगा चक्रव्यूह किसके द्वारा रचित एक काव्य रचना है, तो आपसे काव्य है तो क्या बोलोगे आप कि ये कुंवर नारायण के द्वारा रचित ये रचना है। देखिए, हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, ठीक है, ये इतना ये क्या लिखे हैं, रचना है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिनों। इन दिनों का मतलब आजकल जो चल रहा, नहीं बोला है इन दिनों ये काम चल रहा है, तो इन दिनों क्यों, क्योंकि इन दिनों क्या हो रहा है आप खुद देखिए। ऐसा नहीं, आप तो तैयारी कर ही रहे हैं एग्जाम का, लेकिन इन दिनों क्या चल रहा है, पेड़ की कटाई हो रही है। तो इन दिनों ये जो एक वृक्ष की हत्या है ना, ये इन दिनों से लिया गया, इनकी एक रचना थी इन दिनों, उसी से लिया गया है, संकलित है एक पेड़ की हत्या। आपसे बाबू क्वेश्चन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, क्या किया जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या किस रचना से संकलित है, तो आप क्या बोलेगा, इन दिनों से संकलित है, ये एक रचना का नाम है। ठीक है, इनके कुछ काव्य हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, कविता काव्य, इनके काव्य क्या है तो देखिए यहाँ पे, एक तो जान गए एक वृक्ष की हत्या है, दूसरा देखिए आत्मजयी आकारों के आसपास। ठीक है, आज और आज से पहले, आज जो चल रहा है ना दिन और आज से पहले, उसके बारे में ये लिखे हैं कविता। मेरा साक्षात्कार इंटरव्यू, इनका जब इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में ये लिखे हैं। ठीक है, कौन, कुंवर नारायण उत्तर प्रदेश के व्यक्ति। कुछ पुरस्कार मिला, अधिकतर बाबू जितने भी लेखक कवि हैं उन लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक, यहाँ देखिए, लेकिन इनको याद करने में कौन कौन से, ये तो कॉमन हो गया, लेकिन ये देखिए कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, ठीक है, यहाँ देखिए लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान, ये दो गो इम्पोर्टेंट, एक दो तीन गो पूछता है। याद देखिए प्रेमचंद भी एक कवि हैं, कबीर भी एक कवि हैं, तो याद रखिए कबीर यानी कि कबीर के नाम पर या फिर किसी भी कवि के नाम पर किसे सम्मानित किया गया है, तो कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया है। किसी भी आप कबीर या फिर सॉरी किसी भी कविता का, किसी भी कवि का अगर नाम आ जाए तो समझिएगा किसको सम्मानित किया गया है, कुंवर सिंह को सम्मानित किया गया है। पता है ये क्या लिखे हैं, नगर के संवेदना के कवि हैं, यानी कि यह संवेदना के कवि हैं। आपसे पूछा जाएगा कुंवर नारायण यानी कि कुंवर नारायण किस तरह के कवि हैं, तो संवेदना के कवि है, हर चीज के संवेदना, दुख दर्द को समझते हैं। देखिए इन्होंने वृक्ष के दर्द को इसमें बयां किया है, ठीक है, यानी सभी के संवेदना को ये समझते हैं। ठीक है, नगर में क्या संवेदना चल रहा है, जो आपके गाँव नगर में चल रहा है, किस प्रकार का समस्या चल रहा है, उस टाइप का ये लिख करके और व्याख्या करते हैं। ठीक है, कविता का परिचय, इस कविता में क्या बताया गया है समझिएगा, कविता में कवि एक वृक्ष के बहाने, एक कविता में कवि एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य, सभ्यता के विनाश के अंतर्व्यर्थता पर मार्मिक विचार प्रकट किया है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए एक वृक्ष के बहाने क्या क्या बताया गया है, तो ध्यान से समझिएगा, एक वृक्ष के बहाने बताया गया है कि हम लोग अपने वृक्ष को नुकसान नहीं कर रहे,
अपने पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है वायुमंडल में। अच्छा एक बात बताइए, अगर वृक्ष खत्म होता जाएगा तो एक दिन इंसान भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं, जैसे एक थोड़ा देर के लिए हम लोग पानी बिना रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, मृत्यु तय है। तो यही बता है कि हम लोग वृक्ष की हत्या कर रहे हैं, खुद की हत्या कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो मनुष्य है वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है। ठीक है, सभ्यता इस सब के विनाश के बारे में यहाँ पे मार्मिक रूप से वर्णन किया गया है। किसमें? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से संसार का विनाश। तो यहाँ लेखक देखिए किस तरह से आकर के कह रहे हैं, जब वो कहीं बाहर से आ रहे हैं बाबू तो क्या कह रहे हैं, जब वो बाहर से आए तो एक-एक आते आते उनको झटका लगा। क्या झटका लगा? जब वो आए और देखे कि उनके घर के सामने एक वृक्ष था और आज वो नहीं है, इसका मतलब कि वो चला गया। बहुत पुराना वृक्ष था, इसीलिए उसको बूढ़ा कहा जाता है, समझिएगा। अब की बार घर लौटा तो वह नहीं था। कौन नहीं था? तो देखिए वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ये एक वृक्ष की हत्या कविता में बूढ़ा चौकीदार कौन है, किसको कहा गया है? तो पेड़ को कहा गया है, जो लेखक के घर के सामने था। ठीक है, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। एकदम देखना पुराना पुराना पेड़, बहुत सारा पीपल वगैरह का है, एकदम वैसे ही आओगे कहीं से भी तो दिखेगा, लेकिन एकाएक वो हट जाता है ना तो सूना सूना लगने लगा। ठीक है, देखिए पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, देखिएगा उसका पुराने चमड़े का जो खाल वगैरह ऊपर का होता है, ठीक है, वो पुराने चमड़े का वही सख्त एकदम जबरदस्त तरीके से चौकीदार की तरह सीधा खड़ा था वो। ठीक है, अब देखिए झुरियोदार खुरेदार तना और मैकालू चैना। अब देखिए एकदम झुरीदार खुरेदार, उसका तना मतलब देखिए ना छुएगा तो एकदम खुरेदार टाइप का रहेगा, उबड़ खाबड़ टाइप का। ठीक है, राइफल सी एक सूखी डाल, राइफल से उसमें जब पेड़ सूख जाता है तो राइफल जैसा क्या निकल जाता है, यहाँ पे बंदूक जैसा कुछ निकल जाता है, आप जो भी समझिए, राइफल जैसा यहाँ पे कुछ क्या हो जाता है, ऐसे तरी यहाँ पे कुछ राइफल जैसा सूखा हुआ चीज़ निकलता है, वैसे ही निकल जाता है। ठीक है, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और आप पेड़ पर देखे होंगे पेड़ पर खूबसूरत सा ऐसे रहेगा ना तो पगड़ी जैसा ऐसे होता है, तो वही आपसे बोला जाएगा किसकी पगड़ी के बारे में बात किया जा रहा है, तो पेड़ की पगड़ी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, पाँव में फटा पुराना जूता, वही जड़ के समान बोला जा रहा है। अब देखिए चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता। अब देखिए ये वृक्ष हवा बहता है तो इधर जाता है उधर जाता है चरमराता है, लेकिन वहीं पे अकड़ के खड़ा रहता है, लेकिन जब लेखक जाता है तो यहाँ पे वृक्ष नहीं रहता है, वो बूढ़ा चौकीदार वहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, धूप देखो, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी क्या खाकी वर्दी में, एकदम अपनी खाकी वर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। ठीक है, यानी दूर से ही देखते आप देखे होंगे आपके घर के सामने या गांव में कहीं बाबू पुराना पेड़ होगा तो जब हवा बहता है तो उसकी आवाज़ें सुनाई देती है, ऐसा लगता है कवि का एक भाव है कि ऐसा लगता है कि वो पुकारता है कि कौन हो तुम, ठीक है, ये तुम्हारा गांव है या किसका गांव है, क्यों आए हो, ऐसा पूछता है हर एक व्यक्ति को। ऐसे चौकीदार में यही ना होता है, चौकीदार लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो कहाँ हो, हमेशा जांच पड़ताल करते रहते हैं। अब देखिए और पल भर को बैठा जाता और उसकी ठंडी छांव में, और वहाँ पे जा करके थोड़ा देर लोग आराम करते हैं उस पेड़ के नीचे। ठीक है, दरअसल शुरुआत से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। ठीक है, शुरुआत से ही अंदेशों में एक जानी दुश्मन था कि घर को बचाना है लुटेरों से। ठीक है, एक अनजानी वो दुश्मन था कि घर को बचाता था हम लुटेरों से। कौन? वृक्ष की बात हो रही है। शहर को बचाना है नादिरों से। नादिरों का मतलब एक प्रकार का लुटेरा था। ठीक है, जिस तरह शहर को किससे बचाना है, नादिरों से बचाना है। ठीक है, घर को बचाना है लुटेरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाले हो जाने से। अब समझिएगा यहाँ पे हर तरह से देश को बचाना है, हमें अपने नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। यहाँ देखिए कितनी ऐतिहासिक नदियाँ हैं, लेकिन जिस दिन पर्यावरण खत्म हो गया, जिस दिन बाबू वृक्ष खत्म हो गया, पूर्ण रूप से नदियाँ प्रदूषित हो जाएगी, नाला के रूप में सड़ा हुआ पानी दिखेगा आपको। यानी हम लोगों को बचाना है किसे? नदी को नाला बनने से बचाना है। ठीक है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। हवा में कितना अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है ना, वाह आराम से जी रहे हैं, लेकिन इस एक दिन ये धुआं हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी, इस सब से हम लोगों को बचाना है। ठीक है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। वृक्ष नहीं रहेगा तो उस वजह से सिर्फ पॉइजन ही पॉइजन, जहर ही जहर रहेगा। ठीक है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। हमको
को बचाना है, हर एक वृक्ष को बचाना है, क्योंकि वृक्ष खत्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा मरुस्थल हो जाएगा, बलुई इलाका हो जाएगा। राजस्थान की कंडीशन देख सकते हैं, वहाँ वृक्ष बहुत कम है तो वहाँ पर पूरा बालू ही बालू है, तो वहाँ कुछ नहीं उपजता है, बहुत तेज धूप होता है, लोग उसे बर्दाश्त नहीं होता है। राजस्थान के कुछ इलाका ऐसे है, ठीक है। तो हमें अपने जंगलों को मरुस्थल होने से बचाना है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, और कुछ दिन में मनुष्य भी जंगल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ मिलेगा नहीं, खाएगा नहीं तो मर जाएगा, और मरेगा तो सड़ेगा, और उसमें से भी जंगल उत्पन्न होगा। उस पूरा इलाका जहां मनुष्य रहते थे वो पूरा जंगली इलाका हो जाएगा। तो हमें बचाना है वृक्ष को, ठीक है। वृक्ष को भी दुखता है, उसे भी नहीं काटना है, ठीक है। अगर वो उसको दुखता है तो वो जरूर तकलीफ पहुंचा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन देखा जाए तो पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना यानी कि खुद की जिंदगी को खतरे में डालना होता है। तो लगा हो शानदार तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, देन एंड देयर इसको कंप्लीट करके, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और हाँ इसके जितना भी वीडियो है पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है, उसमें जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद से आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपका 100% मार्क्स आने का फुल चांस है, बस आपको थोड़ा बहुत लिखावट में परिवर्तन लाना होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।